हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है हुआवे का ऑनर 9 लाइट और इस वीडियो एपिसोड में हम करने जा रहे हैं इस फ़ोन का टीयर डाउन, ताकि आप लोगों को दिखा पाएं कि कैसे आप इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, बैटरी में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो, LCD डिजिटाइजर या ग्लास टूट जाए तो आप उसको कैसे बदल सकते हो, मदरबोर्ड, सब PBA बोर्ड, USB पोर्ट, वाइब्रेटर, रिसीवर स्पीकर, लाउड स्पीकर, बटन्स, इनकी पोजीशन क्या है, अगर इनमें कोई दिक्कत आई तो आप इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो एपिसोड में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑनर 9 लाइट का टीयर डाउन। अगर आपने अभी तक BCD टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मुझे इस फोन को करना होगा बंद, और दोस्तों इसकी जो सिम ट्रे है उसको निकालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस फ़ोन के ऊपर आपको किसी भी टाइप का कोई भी स्क्रू नहीं मिलेगा, ना ही आपको नीचे देखने को मिलेगा, ना ही पीछे की साइड को, मतलब कि टीयर डाउन थोड़ी सी टफ होने वाली है। यहाँ पर मुझे इसका जो बैक वाला ये ग्लास है इसको सेपरेट करना होगा इसके बॉडी से। तो यहाँ पर दोस्तों आप आइदर इस टाइप का कोई टूल ले लीजिए जो कि आगे और पीछे दोनों ग्लास को होल्ड करेगा, और उसका जोर लगा के दोस्तों आप यहां पर सेपरेशन क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो कि यहां पर सेपरेशन पीछे से नहीं, आगे से क्रिएट हो गया, और यहां पर ये जो फ़ोन है ये आगे से सेपरेट नहीं होगा, मतलब कि LCD वाले पोर्शन से सेपरेट नहीं होगा। अगर आपको इसको टीयर डाउन करना है तो आपको जो पीछे वाला ग्लास है उसको निकालना है। तो यहां पर दोस्तों तरीका एक ही है कि आप इसके जो पीछे वाला ग्लास है उसको गर्म कर लें, आइदर आप यहां पर कोई हॉट एयर स्टेशन का इस्तेमाल करें या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करें, हॉट प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ओवन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा फेवरेट है दोस्तों यहाँ पर हॉट प्लेट। तो आइए दोस्तों इसको रख देते हैं कुछ समय तक हॉट प्लेट के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं, इसका जो बैक है वो सफिशिएंटली गर्म हो चुका है। आइए सक्शन कप की हेल्प से इसके जो पीछे वाला ढक्कन है उसको उठाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हो कि दोस्तों जो ग्लू है वो काफ़ी गर्म हो चुकी है और यहाँ पर सेपरेशन बन जा रहा है। और अब मैं दोस्तों यहाँ पर प्लास्टिक के इन कार्ड के थ्रू जो सेपरेशन है उसको पकड़ लेता हूँ, और उसके बाद इस सेपरेशन को प्रोसीड करके मैं इसके बैक कवर को उतारने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों अगर ग्लू गर्म हो तो यहाँ पर प्लास्टिक का कार्ड है वो आराम से मूव करेगा। आप यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हो ग्लू को फर्दर लूज करने के लिए, बट देख लीजिए दोस्तों ये सफिशिएंट गर्म हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों आप इस प्लास्टिक के कार्ड को ज़्यादा अंदर ना ले जाएं, हो सकता है कि अंदर कोई कॉम्पोनेंट हो जो कि डैमेज हो जाए, तो रेकमेंड ये है कि इसको बस साइड से घुमाते रहें। और देख सकते हो कि इसका जो बैक कवर है वो सेपरेट हो गया है। तो दोस्तों इसका जो बैक कवर है वो सेपरेट तो हो गया, बट यहाँ पर एक फ्लेक्स केबल अभी जा रही है। तो आइए दोस्तों इस फ्लेक्स केबल को सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसके लिए दोस्तों एक कनेक्टर है यहाँ पर, हम इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करके इस फ्लेक्स केबल को हटा देते हैं, और इसे हटाते ही इसका जो बैक कवर है वो सेपरेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये है हुआवे ऑनर 9 लाइट का बैक कवर, प्योर ग्लास का बना हुआ है देख लीजिए, और सॉलिड ग्लास है। और इसके ऊपर दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा, यह है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर ख़राब हो जाए तो प्रोसेस वही है, गर्म करना है और धक्का देके इसको निकालना है। अगर ख़राब हो चुका है तो टूट भी जाए तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी, बट मेरे केस में ठीक है। अगर मैं कोशिश करूँगा तो हो सकता है कि मेरा फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर ख़राब हो जाए। अगर आपका टूट चुका है तो आप यहाँ पर धक्का देके कैसे भी करके उसको सेपरेट कर लें और नया फिंगरप्रिंट सेंसर लगा लें। दोस्तों इस बैक कवर के ऊपर आपको दोनों कैमरे के लेंस मिल जाएंगे, फ्लैश LED लेंस मिल जाएगा, और देखा जाए कुछ नहीं है। तो ये है दोस्तों ऑनर 9 लाइट का बैक कवर। आइए इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं आगे वाले फ्रेम पर। तो आगे वाले फ्रेम में आपको 3 सेक्शन मिल जाएंगे, मदरबोर्ड, बैटरी और सब PBA। आइए दोस्तों सबसे पहले मदरबोर्ड को निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मदरबोर्ड को निकालने से पहले मुझे कुछ यहाँ पर मेटल ब्रैकेट्स हैं उनको सेपरेट करना होगा। आप देख सकते हो एक मेटल ब्रैकेट आपके यहाँ पर है जो कि फ्रंट कैमरे को सिक्योर किए हुए है, एक मेटल ब्रैकेट आपके यहाँ पर है जो कि रियर कैमरे को सिक्योर किए हुए, एक मेटल ब्रैकेट यहाँ पर है जो कि LCD के कनेक्टर को सिक्योर कर रही है, एक मेटल ब्रैकेट यहाँ पर है जो कि बैटरी के और साथ में दोस्तों सब PBA कनेक्टर को सिक्योर कर रही है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले तो बैटरी वाली को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं 2 स्क्रूज, तो आइए दोस्तों इन दोनों स्क्रूज को निकाल देते हैं, उसके बाद इस मेटल ब्रैकेट को उठा लेते हैं, और उसके बाद बैटरी के कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों बैटरी इस फ़ोन की अब डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इस फ़ोन की बैटरी को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। आइए दोस्तों अब इस वाली मेटल ब्रैकेट को निकाल देते हैं, और इस मेटल ब्रैकेट के नीचे है LCD का कनेक्टर। तो ये है दोस्तों LCD वाली ब्रैकेट। आइए दोस्तों अब रियर कैमरे की ब्रैकेट को निकाल देते हैं, और ये भी दोस्तों 1 स्क्रू के साथ सिक्योर्ड है,
पहले स्क्रू को निकालते हैं और उसके बाद ब्रैकेट को उठा लेते हैं। आइए दोस्तों अब फ्रंट कैमरे की ब्रैकेट को निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हैं तीन स्क्रूज, एक दो और तीन, आइए तीनों स्क्रूज को निकाल देते हैं। तो यह है दोस्तों इसकी फ्रंट कैमरे वाली ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के ऊपर आपको एक छोटी सी पीसीबी मिल जाएगी जो कि रिसीवर स्पीकर को कनेक्ट करी है मदरबोर्ड के ऊपर, आप देख लीजिए। तो ये है फ्रंट कैमरे वाली ब्रैकेट, आइए इसको साइड में रखते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है उसको निकाल सकता हूँ। दो कैमरे हैं, एक तो हो गया आपका 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, देख लीजिए ये आपका फिक्स फोकस कैमरा है, आइए इसको साइड में रखते हैं। आइए अब 3 मेगापिक्सल के ऑक्सिलरी सेंसर को निकाल देते हैं, और ये भी दोस्तों आपका एक फिक्स फोकस कैमरा है, आइए इसको साइड में रखते हैं। आइए अब रियर कैमरे को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रियर कैमरे असेंबली में दोनों कैमरे को सेपरेटली नहीं निकाल सकते हो, दोनों एक ही साथ में फ्यूज हैं। तो ये है दोस्तों इसके रियर कैमरा, और देख सकते हो कि जो 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है वो ऑटो फोकस के साथ आता है, जबकि जो ऑक्सिलरी सेंसर है 3 मेगापिक्सल का वो फिक्स फोकस है। तो यहाँ पर आप में से कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इन कैमरे में से कौन सा कैमरा बेटर है, तो ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पर रियर कैमरा बेटर है। इसमें आपको ऑटो फोकसिंग मिल जाएगी, मतलब कि जो इमेज कैप्चर होंगी वो काफ़ी शार्प होंगी, तो रियर कैमरा यहाँ पर बेटर है। आइए अब कैमरे को साइड में रखते हैं। आइए अब मदरबोर्ड को निकालते हैं। तो मदरबोर्ड को निकालने से पहले कुछ मैं कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर की केबल होगी, ये सब पीवी बोर्ड का कनेक्टर हो गया, ये एलसीडी का कनेक्टर हो गया, और ये एंटीना केबल का कनेक्टर हो गया। तो आइए अब बोर्ड को उठा लेते हैं। तो ये है दोस्तों ऑनर 9 लाइट का मेन मदरबोर्ड, देख सकते हो कि इसके ऊपर कुछ मेटल शील्ड्स हैं, तो इनमें से कुछ निकल जाएंगी, आइए जो निकल सकती है उनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दो ही मेटल ब्रैकेट्स निकल सकती थी, दोनों को मैंने निकाल दिया है। अगर कंपोनेंट की बात करें तो इस साइड में दोस्तों आपको दो कनेक्टर्स मिल जाएंगे, ये है रियर कैमरे के कनेक्टर ऑक्सिलरी और मेन, यहाँ पर है फ्लैश LED, ये जो छोटा होल दिया गया दोस्तों ये है सेकेंडरी माइक्रोफोन का होल। यहाँ पर दोस्तों आपको फ्रंट कैमरे के कनेक्टर मिल जाएंगे, ये है ऑक्सिलरी के लिए और ये है मेन के लिए। ये RF पोर्शन है जो कि पूरा सील डाउन है, यहाँ पर भी दोस्तों RF पोर्शन है जो कि अगेन सील डाउन है। ये है बैटरी का कनेक्टर, ये है GSM एंटीना का कनेक्टर, ये है सब PVI बोर्ड का कनेक्टर, ये है LCD और डिजिटाइजर का कनेक्टर। यहाँ पर दोस्तों आपको दो हाई सिलिकन की ICs मिल जाएंगी, अब ये कौन सी हैं, क्या पर्पस है, आप देख लीजिए मॉडल आपको या नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों हाई सिलिकन की दो ICs, और इस साइड को दोस्तों बोर्ड के आपको कुछ कनेक्टर्स मिल जाएंगे जो मोस्ट प्रोबेबली वाईफाई ब्लूटूथ एंटीना का कनेक्टर्स हैं। ये है प्रॉक्सिमिटी और एम्बिएंट लाइट का कनेक्टर, ये है सेकेंडरी माइक्रोफोन, ये है नोटिफिकेशन LED। हाँ दोस्तों इस फोन के साथ नोटिफिकेशन LED आती है, RGB LED है। यहाँ पर है हाइनेक्स की मेन मेमोरी, ये है हाई सिलिकन का क्रीन 659, आप देख सकते हो जो IC नंबर है वो है HI 6250। तो ये है दोस्तों इसका SoC, यहाँ पर आपको दो छोटी मोटी IC मिल जाएंगी। ये है हाई सिलिकन का पावर मैनेजमेंट सेक्शन, देख लीजिए काफ़ी बड़े कैपेसिटर इंडक्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा और RF पोर्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर है इस फ़ोन की सिम ट्रे। तो ये है दोस्तों इस फ़ोन का मेन बोर्ड, तो आइए इसको भी साइड में रखते हैं। अब दोस्तों आप इस फ़ोन में इसका जो रिसीवर स्पीकर है उसको निकाल सकते हो, अगर आपके फ़ोन में यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है तो आप इस कंपोनेंट को बदल दीजिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको ट्यूजर को नीचे को डालना होगा और इसको उठा के सेपरेट करना होगा। तो ये है दोस्तों इस फ़ोन का फ्रंट स्पीकर, देख लीजिए, आइए इसको साइड में रखते हैं। अगर आपके फ़ोन में प्रॉक्सिमिटी और एम्बिएंट लाइट सेंसर वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको दोस्तों ये वाली PCB को बाहर निकालना है, तो ये भी निकल जाएगी। तो ये है दोस्तों इसका प्रॉक्सिमिटी और एम्बिएंट लाइट सेंसर, देख लीजिए, तो आपको इस कंपोनेंट को बदलना है। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में ये बटन्स वर्क नहीं कर रहे हैं, टूट गए हैं या फिर किसी टाइप से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो पहले तो आप दोस्तों इस प्लास्टिक को उठा लीजिए। तो ये है दोस्तों प्लास्टिक जो कि यहाँ पर बटन को सिक्योर करता है, उसके बाद आप गर्म कीजिए, इस PCB को उठाइए और बटन को बाहर निकाल लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसके बटन्स को सेपरेट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में बैटरी ख़राब हो जाए तो आपको इस मॉडल की बैटरी को मंगवाना है। आप कैपेसिटी देख लीजिए, जो रेटेड कैपेसिटी है वो 2900 mAh है, जबकि टिपिकल कैपेसिटी 3000 mAh है और वोल्टेज है 3.82। तो अगर आपको बैटरी को निकालना है तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी पुलिंग टैग नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ पर प्राइम टूल की हेल्प से इसको उठाना है। और यहाँ पर ध्यान रखें कि इसके नीचे दो फ्लेक्स केबल जा रही है, सब PVI और LCD की, तो उसको आपको तोड़ना नहीं है। तो जो ग्लू दी गई है वो काफ़ी हार्ड है, तो यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा कि पहले आप इसको गर्म कर लें, जब ग्लू लूज़ हो जाए तब आप इसको उठाने की कोशिश करें। तो आइए इसको गर्म करके उठाते हैं। तो दोस्तों ये जो बैटरी है सफिशेंटली गर्म हो चुकी है, आइए पहले तो सक्शन कप से उठाने की कोशिश करते हैं।
देख सकते हो कि जो ग्लू है वो काफ़ी हार्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर सक्शन कप तो ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। आइए इसको प्राइंग टूल की हेल्प से उठा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है जो बैटरी है वो पंचर ना हो, मतलब कि दोस्तों जो केस है बैटरी का प्लास्टिक वाला वो कहीं से कटे फटे ना। तो ये है दोस्तों इस फ़ोन की बैटरी, देख लीजिए काफ़ी पतली बैटरी है और निकालते ही ये डिफॉर्म हो गई है। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लू के साथ इसको चिपकाया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखें करके कि जब आप इसको निकाल रहे हो थोड़ा सा सावधान रहें, इसको पंचर ना करें और साथ में दोस्तों जो फ्लेक्सिबल नीचे जा रही हैं वो भी कटे फटे ना। तो दोस्तों बैटरी अब सेपरेट हो चुकी है, आइए इसको साइड में रखते हैं। अब दोस्तों अगर फ्रंट फ्रेम में से आपको इस सब पीवी वाली केबल को सेपरेट करना है या फिर इस कोएक्सियल केबल को सेपरेट करना है तो आप इस मेटल ब्रैकेट को उठा लीजिए और यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों चार स्क्रूज, तो आइए चारों स्क्रूज को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों स्क्रूज निकाल दिए हैं, आइए अब इस मेटल ब्रैकेट को उठा लेते हैं। और इस मेटल ब्रैकेट के नीचे आपको मिल जाएंगे सब पीवी का कनेक्टर और मेन एंटीना का कनेक्टर। तो अब आप इस कोएक्सियल केबल को उठा सकते हैं और साथ में अगर सब पीवी केबल को निकालना है तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों अब इसके सब पीवी सेक्शन को निकालते हैं। और इसको निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस लाउड स्पीकर असेंबली को निकालना होगा, और ये लाउड स्पीकर असेंबली यहाँ पर सिक्योर्ड है 5 स्क्रूज के साथ। तो आइए 5 स्क्रूज को पहले निकाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 5 स्क्रूज निकाल दिए हैं, आइए लाउड स्पीकर बोर्ड को उठाते हैं। तो यहाँ पर लाउड स्पीकर बोर्ड को आप ऐसे उठा लीजिए। तो ये है दोस्तों इस फ़ोन का लाउड स्पीकर बोर्ड, देख लीजिए इसके अंदर आपको लाउड स्पीकर मिलेगा और साथ में दोस्तों 3G और 4G का एंटीना भी, मतलब कि अगर आपके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे हैं 3G 4G के तो आप आइदर इस कोएक्सियल केबल को बदल कर चेक करें या फिर इस बोर्ड को। तो ये है दोस्तों लाउड स्पीकर बोर्ड, और इस बोर्ड में लाउड स्पीकर तो निकलेगा नहीं, ना ही दोस्तों आपके एंटीना केबल्स निकलेंगी, बस अगर कोई दिक्कत आ जाए तो पूरे बोर्ड को बदल दें। आइए इसको साइड में रखते हैं। अब दोस्तों मैं निकालने जा रहा हूँ इस फ़ोन का सब पीवी सेक्शन, तो उसको मैं उठा लेता हूँ। तो ये दोस्तों निकल आया है। तो ये है इस फ़ोन का सब पीवी बोर्ड, और देख लीजिए सब पीवी बोर्ड में आपको कनेक्टर मिल जाएगा, 3.5 mm का जैक मिल जाएगा, मेन माइक्रोफोन है इसका होल यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब कि ऑडियो यहाँ से एंटर करेगी, एक USB पोर्ट है, माइक्रो USB पोर्ट है। तो अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग नहीं पकड़ रहा है या फिर हेडफोन अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप इस पूरे बोर्ड को बदल दें। अब दोस्तों अगर आपके फ़ोन में वाइब्रेशन नहीं आ रही है, मतलब कि फ़ोन वाइब्रेट नहीं कर रहा है, तो आपको इस कंप्यूटर को बदलूंगा, आइए इसको बाहर निकालते हैं। तो ये है दोस्तों इस फ़ोन की वाइब्रेटर मोटर, देख लीजिए अगर आपका फ़ोन वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो आपको इस पार्ट को बदलना होगा। अब दोस्तों अगर आपके फ़ोन में डिजिटाइजर LCD या ग्लास टूट जाए या फिर वर्क नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा आप विद फ्रेम मंगवाएं, मतलब कि इस टाइप के फ्रेम के साथ मंगवाएं, और ऐसे केस में रिप्लेसमेंट काफ़ी आसान हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर फिर भी आप रिप्लेस करना चाहते हो LCD को फ्रेम से तो मैं आपसे रेकमेंड करूँगा पहले आप इस पूरी असेंबली को गर्म कर लें, उसके बाद सक्शन कप की हेल्प से इसको उठाने की कोशिश करें। ऑल्दो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इसकी जो असेंबली है बहुत आराम से निकल जाएगी, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप विद फ्रेम मंगवाएं, ज़्यादा बेटर होता है दोस्तों रिप्लेस करना, और इवन दोस्तों आपको काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग भी मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस फ़ोन का जो टियरडाउन है वो यहीं पर समाप्त होता है, आइए मैं आपको अब इसके पार्ट्स दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों इस फ़ोन के पार्ट्स, इसमें है फ्रंट असेंबली, डिजिटाइजर ग्लास LCD इसी के अंदर है, बैटरी है, मेटल शील्ड्स हैं, मेटल ब्रैकेट्स हैं, लाउड स्पीकर बोर्ड है, वाइब्रेटर मोटर है, रिसीवर स्पीकर है, फ्रंट कैमरे हैं, रियर कैमरे हैं, सब पीवी बोर्ड है, मदरबोर्ड है, सिम ट्रे है, फ्रंट कैमरे वाला बोर्ड है, सब पीवी और फिंगरप्रिंट की फ्लेक्स केबल है, कोएक्सियल केबल है और बैक कवर है। तो यह है ऑनर 9 लाइट के पार्ट्स। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस फोन को असेंबल। यहाँ पर दोस्तों ये फ़ोन सक्सेसफुली असेंबल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा करके कि ऑनर 9 लाइट को टियर डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसका अगर आप ये बैक कवर उतार लें तो उसके बाद दोस्तों आप आराम से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से सारे कंपोनेंट को एसेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कहूँगा टफ है, बट अगर एक बार इसका बैक कवर उतर जाए तो दोस्तों सब बढ़िया है। तो ये रही ऑनर 9 लाइट की टियरडाउन, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टियरडाउन वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे दोस्तों मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर बना रखी हैं, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो और आगे आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।